सो दोस्तों, अगर आप योनो SBI ऐप को जो है लॉगिन कर रहे हैं एमपिन डालकर, तो आपको जो है कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जो है योनो SBI में जो है एमपिन डालकर लॉगिन कर रहे हैं, तो मुझे कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है। और यहाँ पे हम यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर जो है लॉगिन करते हैं, तब भी जो है यही एरर आ रहा है, जैसे कि देख सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपको जो है लॉगिन करते समय कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है, तो आप जो है इस एरर का जो है आपको सॉल्यूशन कैसे निकालना है, वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम एमपिन डालकर जो है लॉगिन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है जिसमें बताया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉगिन पासवर्ड जो है चेंज करने के लिए, देख सकते हैं चेंज योर लॉगिन पासवर्ड। और यहाँ पे जो है वेबसाइट का भी यहाँ पे नाम दिया गया है कि किस वेबसाइट पे जाकर आपको जो है मतलब लॉगिन पासवर्ड आपको चेंज करना है, जो कि यहाँ पे जो है www.onlinesbi.sbi, देख सकते हैं इस वेबसाइट पे आपको जाना है, जो कि जो है SBI का ऑफिशियली वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाकर के जो है आपको लॉगिन पासवर्ड आपको चेंज करना है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है SBI का नया पॉलिसी आ चुका है कि अगर आप जो है SBI का इंटरनेट बैंकिंग चला रहे हैं, तो आपको जो है लॉगिन पासवर्ड को चेंज करना पड़ेगा। जो भी आपका पुराना वाला लॉगिन पासवर्ड होगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको इस तरीके का एरर आ रहा है योनो SBI में, तो आपको क्या करना है, सीधे आपको जो है बैक चले आना है और आपको जो अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और आपको यहाँ पे गूगल में टैप करना है SBI। चलिए हम यहाँ पे SBI लिख करके सर्च कर देते हैं। जैसे ही आप SBI लिख करके सर्च कर देंगे, तो आपको यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक आपको पहले नंबर पे शो कर जाएगा। तो आपको जो है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो है देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लॉगिन का देख सकते हैं और यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग लिखा हुआ है, देख सकते हैं पर्सनल बैंकिंग और लॉगिन। तो आपको जो है लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो है कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको कंटिन्यू टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो है यूजर नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। देख सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड। तो जो भी आपके जो है नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड है, यानी कि जो भी आपके जो है योनो SBI का यूजर नेम और पासवर्ड है, आपको यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपका पुराना वाला जो है यूजर नेम और पासवर्ड है, आपको यहाँ पे डाल देना है एंड उसके बाद यहाँ पे जो है आपको कैप्चा फिलअप कर देना है। जो कैप्चा जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देख सकते हैं इस कैप्चा को जो है इस बॉक्स के अंदर आपको फिलअप कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है यूजर नेम और पासवर्ड डाल देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम यूजर नेम और पासवर्ड डाल चुके हैं और यहाँ पे जो हम कैप्चा फिलअप कर चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन। तो आपको जो है लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो है ओल्ड लॉगिन पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है योर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड हैज एक्सपायर, देख सकते हैं बैंक पॉलिसी, यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक पॉलिसी, प्लीज चेंज योर पासवर्ड। जो आपको जो है योनो SBI ऐप पे आपको जो दिख रहा था, वही यहाँ पे भी दिख रहा है, देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो है ओल्ड लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन है, तो आपको जो है ओल्ड वाला जो लॉगिन पासवर्ड है, वो आपको पासवर्ड डाल देना है। जो भी आपका जो पुराना वाला पासवर्ड है, आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो है देख सकते हैं न्यू लॉगिन पासवर्ड, तो आपको यहाँ पे जो है नया पासवर्ड आपको जो है क्रिएट करना है। जो भी आप नया पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे नया पासवर्ड जो है आपको फिर से क्रिएट कर लेना है। जैसे कि आप जो ओल्ड लॉगिन पासवर्ड कभी क्रिएट किए थे, उसी तरीके से आपको जो है न्यू लॉगिन पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम ओल्ड लॉगिन पासवर्ड और न्यू लॉगिन पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओल्ड लॉगिन पासवर्ड और न्यू लॉगिन पासवर्ड हम यहाँ पे डाल चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको जो है सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो आपको यहाँ पे OTP डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव हो जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर जो है आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड है, उस मोबाइल नंबर पर जो है आपको OTP रिसीव हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे OTP डाल देना है। अगर आपके मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, देख सकते हैं क्लिक हेयर टू रिसेंड OTP। तो आपको जो है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो फिर से जो है आपको OTP रिसीव हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको OTP डाल देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे OTP डालकर और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं।
उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, देख सकते हैं पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, यानी कि जो है पासवर्ड चेंज हो चुका है। जो भी हम यहाँ पे नया पासवर्ड डाले हैं वो जो है नया वाला जो है क्रिएट हो चुका है, यानी कि पुराना पासवर्ड बदल कर नया पासवर्ड जो है बन चुका है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो आपको जो है नया वाला पासवर्ड आपको बना लेना है, उसके बाद जो है आपको योनो SBI जो है आपको लॉग इन करना है नया वाला पासवर्ड डालकर। उसके बाद जो है आपका बहुत ही आसानी से जो है योनो SBI ऐप जो है लॉग इन हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके से जो है आप योनो SBI का जो है पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।